लड़का बोलता है लड़की से, मैंने आज जो काम किया है वो सुनकर तुम्हारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लड़की बोलती है, अब और नहीं, पहले से ही तूने 32 से 36 कर दिया है। जो समझा एक लाइक। हंसी तो तब आती है जब कोई लड़का बोलता है, मेरी वाली सबसे अलग है। क्यों भाई, वो अंडे देती है क्या? इस सवाल का जवाब दे दिए ना, मैं आपको मान जाऊंगी। ऐसा कौन सा काम है जो आदमी जिंदगी में एक ही बार करता है, औरत हर रोज करती है? अगर जिसको आएगा वो कमेंट में लिखे। इस सुहाग रात को दूल्हा दुल्हन की आंख पर किस करते हुए बोला कि आंखें मोहब्बत की किताब होती हैं। दुल्हन बोली, तुम किताबों में उलझे रहना, नीचे लाइब्रेरी में आग लगी हुई है। कुआएं लड़कों के पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक ही चीज की कमी है उसकी, जो सुबह सुबह उठकर बोले कि छोड़िए ना, माँ जी देख लेंगी। हेलो दोस्तों, सुहाग रात को आप अगर जंग लड़ रहे हो, सुहाग रात को आप अगर जंग लड़ रहे हो और खून खराबा ना हो, तो समझ लेना कि मुर्ग पहले ही आजाद हो चुका है। दोस्तों, सच्चा प्यार वही है जो आंखों से काजल बहने ना दे और होठों पर लिपस्टिक रहने ना दे। कुछ लड़कियों की जवानी तो यूं ही गुजर जाती है कि लड़का लाइन दे रहा है, चलो भाव खाते। दोस्तों सुनो, आज पत्नियों के लिए कुछ। पति बोलता है अपनी पत्नी से, मैं दुबई जा रहा हूँ। पत्नी बोलती है, मैं भी आती हूँ, मुझे ज्वेलरी लेनी है। पति बोलता है, मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। पत्नी बोलती है, मैं भी आती हूँ, मुझे कॉस्मेटिक लेना है। पति बोलता है, मैं लंदन जा रहा हूँ। पत्नी बोलती है, मैं भी आती हूँ, मुझे परफ्यूम लेना है। जब पति चिढ़कर खिसियाकर गुस्साकर बोलता है, मैं नरक जा रहा हूँ, चलेगी? तो पत्नी बोलती है, नहीं, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, बस आप अपना ख्याल रखना। देखा कितनी चालाक होती हैं पत्नियां। दो दिन से स्कूल क्यों नहीं है? मैडम जी, मेरी एक चड्डी है, मेरी मम्मी ने धो दी थी, इसीलिए नहीं आया था। कल क्यों नहीं आए? कल आ रहा था, आपके घर के सामने देखा आपकी चड्डी पड़ी थी, हमने सोचा आप भी नहीं गई होंगी, इसीलिए नहीं आया। दो दिन लड़कों के लिए ज्ञान की बात, ना चंद्रमुखी ना पारो, दो पैग मारो और जिंदगी मजे में गुजारो। बहुत ही कठिन सवाल है दोस्त, अगर बता दिया तो मैं आपको मान जाऊंगी। शरीर का वो कौन सा अंग है जो जन्म के बाद आता है और मृत्यु के पहले ही चला जाता है? जिसको आएगा वो कमेंट लिखिएगा प्लीज।